मोदी सरकार ही है अगस्ता वेस्टलैंड की हितकारी, उपकारी और सहकारी। खुद की चोरी छिपाने को कर रहे हैं शोर, और इसीलिए कहते हैं कि चोर मचाए शोर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब बन गया है एम्बैरेसिंग डिजास्टर। अगस्ता वेस्टलैंड वे उसकी पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका को षड्यंत्रकारी मदद, सहायता वे संरक्षण देने की मोदी सरकार की कलई अब खुल गई है। अब वे अपनी कपटी भूमिका को छिपाने के लिए मोदी बचाओ ऑपरेशन कवर अप में लगे हैं। सच्चाई साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार ने रहस्यमयी तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड की ब्लैक लिस्टिंग मोदी सरकार के गठन के बाद खत्म की। सच्चाई यह भी है कि मैं मोदी जी व उनकी सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ साठ गांठ के चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से देश में निवेश की इजाजत दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार ने तो ब्लैक लिस्टेड अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को मेक इन इंडिया का हिस्सा बना डाला और नौसेना के लिए 100 हेलीकॉप्टर खरीद की अनुमति भी दे दी। यही नहीं, मोदी जी और उनकी सरकार ने तो अगस्ता वेस्टलैंड और फिन मैकेनिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालतों में सारे के सारे मुकदमे वो हार गए और अपील करने की जहमत भी नहीं की। और अब इस साजिश और साठगांठ को छिपाने के लिए चोर दरवाजे से झूठ का जाल बुना जा रहा है। इसे कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समय आ गया है कि देश पूरी सच्चाई जाने। और तथ्य यह है, कांग्रेस सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड पर की गई निर्णायक कार्यवाही फरवरी 2010 में अंतरराष्ट्रीय टेंडर के माध्यम से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका को मिला, जिसकी कुल लागत 3,546 करोड़ रुपए निर्धारित हुई। 12 फरवरी 2013 को, और यह तिथि महत्वपूर्ण है, मीडिया रिपोर्ट्स में हुई शंकाओं के आधार पर कांग्रेस यूपीए सरकार ने जांच का आदेश दिया, एफआईआर दर्ज की और पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया। 27 फरवरी 2013 ये तिथि भी महत्वपूर्ण है, राज्यसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच का ऑफर दिया बीजेपी को, और बीजेपी ने उस ऑफर को दरकिनार कर दिया। 1 जनवरी 2014 ये और महत्वपूर्ण तिथि है, यूपीए कांग्रेस सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से हुए 12 हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। 1 जनवरी 2014 तक 1620 करोड़ रुपए का भुगतान अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को हो चुका था और उनके द्वारा 3 हेलीकॉप्टर भारत सरकार को 12 में से दे दिए गए थे। उसी दिन कांग्रेस यूपीए सरकार ने 240 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी अगस्ता वेस्टलैंड की, जो भारतीय बैंकों के पास थी, वो जब्त कर ली। यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने मिलान इटली में अंतरराष्ट्रीय बैंक गारंटी की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर किया और 23 मई 2014 को, यह बहुत महत्वपूर्ण है, 228 मिलियन यूरो की बैंक गारंटी
कांग्रेस सरकार ने जब्त कर ली अगस्ता वेस्टलैंड से। इस प्रकार से दोस्तों 1620 करोड़ के भुगतान के अगेंस्ट कांग्रेस की सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 2068 करोड़ रुपया वसूल कर लिया। यही नहीं, 3 हेलीकॉप्टर जो हमको डिलीवर हो चुके थे, कांग्रेस की सरकार ने वो तीनों हेलीकॉप्टर भी जब्त कर लिए। अगर टेंडर वैल्यू के आधार पर उन 3 हेलीकॉप्टर की कीमत में लगाऊं तो वो 886 करोड़ 50 लाख बनती है, और अगर ये भी मैं शामिल कर लूं 2068 करोड़ में, तो हमने कुल मिलाकर 2954 करोड़ रुपया जब्त किया, जबकि 1620 करोड़ का भुगतान हुआ था। तो सरकार के खजाने को नुकसान होने की बजाय लगभग दुगना पैसा कांग्रेस ने सरकार के खजाने में अगस्ता वेस्टलैंड से जब्त कर जमा करवा लिया। यहां भी बात खत्म नहीं होती, एक तथ्य और महत्वपूर्ण है जो हमने किया। 15 फरवरी 2013 को अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई कांग्रेस यूपीए सरकार ने शुरू की थी, जो 3 जुलाई 2014 को फाइनल हो गई और अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ये किया, ये निर्णायक कार्रवाई की अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ कांग्रेस ने। जांच शुरू की, एफआईआर दर्ज की, सीबीआई का मुकदमा दर्ज किया, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। 1620 करोड़ के भुगतान के अगेंस्ट 2954 करोड़ की रिकवरी कर ली, ये हमने किया। और अगस्ता वेस्टलैंड के साथ मोदी सरकार ने और मोदी जी ने क्या साठ गांठ और मिलीभगत की, वो बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं। 4 तथ्य केवल दूंगा, पहला, और साक्ष्यों के साथ दूंगा। जुलाई 2014 में ब्लैकलिस्टिंग के फौरन बाद मोदी जी और उनके रक्षा मंत्रालय ने कहा अगस्ता वेस्टलैंड की ब्लैकलिस्टिंग को खत्म करो, और मोदी जी ने बाकायदा अपने अटर्नी जनरल से राय ली, और राय लेकर मोदी सरकार और रक्षा मंत्रालय ने 22 अगस्त 2014 को अगस्ता वेस्टलैंड की ब्लैकलिस्टिंग खत्म कर दी। क्यों? उनके खिलाफ तो सीबीआई का मुकदमा था, उनके खिलाफ तो जांच चल रही थी, तो आप उनकी ब्लैकलिस्टिंग क्यों खत्म करके उपकृत कर रहे थे? दूसरा, 3 मार्च 2015 को ब्लैकलिस्टेड कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड और फिन मैकेनिका को मेक इन इंडिया का हिस्सा मोदी जी ने बना दिया। हम उसका कागज आपको रिलीज कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्रालय का ब्लैकलिस्टिंग खत्म करने का आदेश है वो भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। तीसरा, 8 अक्टूबर 2015 को, तो और कमाल किया मोदी जी ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से इजाजत दिलवाकर रक्षा हेलीकॉप्टर AW-119 अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा हिंदुस्तान में बनाने की इजाजत दे दी। वो आदेश भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। और साल 2017 में मोदी जी ने और कमाल किया, अगस्ता वेस्टलैंड और फिन मैकेनिका को, जिसके बारे में अमित शाह जी कहते हैं ये बोगस कंपनी है, मोदी जी ने उसी कंपनी को 100 नेवल हेलीकॉप्टर की खरीद में हिस्सेदार बना लिया। और यही नहीं, मोदी सरकार अगस्ता वेस्टलैंड और फिन मैकेनिका के खिलाफ सभी मुकदमे हारी और अपील दायर नहीं की। 8 जनवरी 2018 ये तिथि कृपया नोट कर लें, 8 जनवरी 2018 को इटली की एक अदालत ने 12 हेलीकॉप्टर की भारत की बिक्री के मामले में अगस्ता के सीईओ ओरसी और हेलीकॉप्टर यूनिट के प्रमुख बरूनो स्पेनोलिनी, उन दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मोदी सरकार उस मुकदमे में पार्टी बनी थी, कोई अपील दायर नहीं हुई आज तक। और दूसरी चीज और चौंकाने वाली है, 17 सितंबर 2018 को इटली की एक उच्च न्यायालय ने
322 पृष्ठ के एक विस्तृत निर्णय से इस फैसले पर मोहर लगाई कि भारत का कोई अधिकारी किसी प्रकार की गड़बड़ी या रिश्वत में अगस्ता मामले में संलिप्त नहीं था। इस मामले में भी मोदी सरकार पार्टी है, वह मुकदमा हारी, परंतु मोदी जी ने इस मामले में अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ या उन दोषी लोगों के खिलाफ कोई अपील ना दायर करने के विकल्प को अपना लिया। और एक छोटा सा हिस्सा और है, और अब क्रिश्चियन मिशेल की झूठी पटकथा जो आपके टेलीविजन चैनल्स ने भी दिखाई, वो तो जुलाई 2018 में दुबई में मोदी जी ने पहले ही लिख ली थी। मोदी सरकार खुद के गड़बड़ झाले, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ संलिप्तता, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी से खुद के पक्ष को छिपाने के लिए विपक्ष पर कीचड़ फेंकने का कुत्सित प्रयास कर रही है। अगस्ता वेस्टलैंड में अपनी सांठगांठ छुपाने के लिए मोदी जी वे उनकी सरकार क्रिश्चियन मिशेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस षड्यंत्र की पटकथा दुबई में जुलाई 2018 में लिखी, जब 16 या 17 जुलाई 2018 को क्रिश्चियन मिशेल की वकील रोजमेरी पेट्रिजी एंजोस वे उनकी बहन साशा ऑजमैन ने सार्वजनिक तौर पर हिंदुस्तान टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देकर यह कहा कि मोदी जी ने यह शर्त रखी है, ईडी ने यह शर्त रखी है कि आप झूठा नाम अगर कांग्रेस नेतृत्व का ले देंगे तो उसकी एवज में आपको बरी कर दिया जाएगा और आप फिर कहीं भी जा सकते हैं। और यह सब आपने दिखाया, मैं उसकी प्रतिलिपि भी आपको दोबारा रिलीज कर रहा हूं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।